नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मयी प्रथमे हेडलाइंस भुवनेश्वर कोर्ट सात दिन सेल पॉजिटिव बाहर पर बीएमसी कटकणा आसंता 5 तारीख पर्यंत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को बंद देश में 370,000 पार दैनिक संक्रमण आउ 3,645 जीवन नेला महामारी महाराष्ट्र में स्थिति सबुठ संगीन कर्णाटक में चली लॉकडाउन कमी थिले भी डराउछि संक्रमण राज्य में आज 6,998 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धार सर्वाधिक 919 आक्रांत पछकु रही कटक एपटे बढ़ुछि मृत्यु संख्या आउ 12 मुंड नेला महामारी राज्य में भयंकर स्थित में कोरोना आज संध्या सुधा राज्य सरकार नहीं पारती बड़ निष्पत्ति एपटे ट्विन सिटी चिंता रैपिड रेस्पॉन्स टीम संख्या बढ़ाला बीएमसी 67 वार्ड पर 67 आरआरटी नियोजित चांदवाली एएसआई चिंगुड़ी माछ 5,000 लांच मागिबा घटना एएसआई हरेकृष्ण पाणी को निलंबन कले भद्रक एसपी सोशल मीडिया रे ऑडियो वायरल पर कार्यानुष्ठान सरुनी पाणिकष्ट गंजाम नुणीगुंडी और बादुअ गांव में जल लगी संघर्ष राति पाहिले पोखरी में लगुची महिला लंबा लाइन बलांगीर में मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना स्कूटी सह ट्रक मुहांमुही धक्का घटनास्थल में दुई युवक मृत ट्रक को जबत करी टाउन पुलिस तदंत जारी शेषे पुणी हारा हैदराबाद 7 विकेट्रे विजयी है धोनी बाहिनी चेन्नई पॉइंट टेबुल शीर्ष में आईपीएल येलो आर्मी बुलेटिन आरंभ करिबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर रु सात दिन भुवनेश्वर कोर्ट सिल कोविड पॉजिटिव बाहर पर कोर्ट को सिल करिछि बीएमसी आज आसंता 5 तारीख पर्यंत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को बंद कर राजधानी में दिनक दिन संक्रमण संख्या बढ़ी चलता बेले गोष्ठी संक्रमण स्थित देखाई एभली स्थित में बीएमसी पक्ष कटक आहरी कड़ाकड़ी तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती भुवनेश्वर प्रतिनिधि चिन्मयी साहू चिन्मयी कौन अधिक अपडेट आसुची चिन्मयी आम जी कह कोविड संख्या दिनक दिन राजधानी में बढ़िवार लगी कहर जो रही भुवनेश्वर महानिगम परिसर जो आम कोर्ट रही कोर्ट रु 10 जन कल पजिट चिन्हट होती से आगामी 7 दिन कोर्ट को सिविल कोर्ट जो रही सानिटाइज कर सिविल कोर्ट को सिल कर दि जाए भुवनेश्वर महानिगम पक्ष आज ठीक 7 दिन जाए कोर्ट टी सिल रेहतु 10 जन पजिट बाहरी संक्रमित संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी से कोर्ट को सिल कर पूर्व पूर्व कथा जी कह पूर्व जो स्टेट बैंक रही एक नंबर मार्केट पाखे किसी दिन सिल कर पूर्व जो कलेज गुड़िक रही हस्टेल गुड़िक रही से पजिट संख्या बाहरी जो भाई भाव में भुवनेश्वर में पजिट संख्या दिनक दिन बढ़िवार लगी सिल से चली आज जो सिल टी कर 7 दिन पर्यंत सिल रहा सानिटाइज करा जिवो एवं अन्य जो माने तांको कांटेक्ट रे आसिसंते सेमानको लिस्ट ले सेमानको टेस्टिंग करा जिवो ता परे सिविल कोर्ट चल जिवो जे सूचना मिलछि फिर मई बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मयी आपनकर समस्त सूचना पई आपन सुनुथले चिन्मयी सहु हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि जे कि 7 दिन पई भुवनेश्वर कोर्ट सेल करा जैतिबानी अधिक सूचना देउथले तबे 7 दिन पई भुवनेश्वर कोर्ट सेल कोविड पॉजिटिव बाहरबा परे कोर्ट को सेल करिछि बीएमसी आज आसंता 5 तारीख पर्यंत जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को बंद कर राजधानी में दिनक दिन संक्रमण संख्या बढ़ी चलता बेले गोष्ठी संक्रमण स्थिति देखाई एभली स्थित में बीएमसी पक्ष कटक आहरी कड़ाकड़ी फल आज 7 दिन भुवनेश्वर कोर्ट सिल कर राज्य में बढ़ुछे दैनिक कोरोना मृत्यु संख्या आज आउ 12 मुंड नहीं महामारी खोर्धार सर्वाधिक 4 आक्रांत मृत्यु होता बेले
पुरी और रायगढ़ दुईज लेखाएं प्राण हर अनुगुल कटक केन्दुझर और सुंदरगढ़ जड़े लेखाएं मृत्यु घटी एपटे राज्य में आज 6998 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 919 पॉजिटिव चिन्हट होती कटक्रु 570 सुंदरगढ़ 474 नुआपड़ 420 अनुगुल 325 आक्रांत चिन्हट होती से बालेश्वर 97 बरगढ़ में रही 330 भद्रक 91 बलांगीर 236 गजपति 121 आक्रांत चिन्हट होती गंजाम 128 जगतसिंहपुर 104 जाजपुर 226 झारसुगुड़ा 396 कलाहांडी 292 केन्दुझर 160 आक्रांत चिन्हट होती से भाव में मयूरभंज 308 नवरंगपुर 255 नयागढ़ 121 नुआपड़ा 420 पुरी 288 रायगढ़ 181 संबलपुर 323 सोनपुर 131 आक्रांत चिन्हट होती राजधानी भुवनेश्वर में बढ़ुछे संक्रमण यहाँ दृष्टि रखी रैपिड रेस्पॉन्स टीम संख्या वृद्धि करी बीएमसी 67 वार्ड पर 67 आरआरटी नियोजित होई पूर्व यह संख्या 39 रे सीमित थिला प्रति टीम रे जने डाक्टर और जने स्वास्थ्यकर्मी सामिल अछन्ते एही टीम गृह संगरोध रे बा होम आइसोलेशन रे थिबा संक्रमितक निकट को जाई स्वास्थ्य परीक्षा स्वास्थ्यगत तथ्य संग्रह करबा सह परामर्श औषध बंटन करिवे सेबळी बीएमसी रो तीनोटी जोन रे 3 जण लेखाए स्वतंत्र मेडिकल ऑफिसर नियुक्त होईछन्ते ऑनलाइन रे लोकक समस्यार समाधान दिगरे एमाने सहायक हेबे भुवनेश्वर रे गोष्ठी संक्रमण होईथिबा जणा पडिबा परे एनफोर्समेंट को त्वरित करबा सह प्रतिकार व्यवस्था उपरे गुरुत्व दिया जाय छी राज्य में भयंकर स्थिति रे कोरोना विशेषकर ट्विन सिटी रे गोष्ठी संक्रमण स्थिति राज्य सरकार को चिंता बढ़ाई यहाँ दृष्टि रखी आज राज्य सरकार किसी बड़ पदक्षेप नहीं पारती कटक बढ़ावा को सरकारी स्तर में जोरदार प्रस्तुति चली आज संध्या सुधा किसी बड़ निष्पत्ति आजठू संबलपुर रे दुकान बजार खोल समय बदल सका 7 मध्यान 2 जाए दुकान बजार खोल एने संबलपुर जिला प्रशासन तरफ सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम मध्यम सहर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मर्चेंट एसोसिएशन सह आलोचना करी निष्पत्ति निया कोविड समय रे विभिन्न दुकान सह व्यावसायिक प्रतिष्ठान रे भिड़ को नियंत्रण करने को यह पदक्षेप नहीं बैठक में अतिरिक्त जिलापाल महानगर निगम कमिश्नर उपकमिश्नर समेत बहु व्यवसायी उपस्थित रही आजठ संबलपुर रे दुकान बजार खोल समय बदल सका 7 मध्यान 2 जाए दुकान बजार खोल एने संबलपुर जिला प्रशासन तरफ सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम मध्यम सहर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा आलोचना करी निष्पत्ति निया जाय छे स्कूटी ट्रक मुहांमुही धक्का हेबा फल चलीगला दुई जीवन बलांगीर सहर मध्य दुर्गा मंदिर सम्मुखें मर्मतुद दुर्घटना दुई युवक स्कूटी रे संबलपुर रोड पटु जाउथिबा बेले विपरीत दिगर आसुथिबा एक ट्रक सह धक्का होइथिला फलरे स्कूटी रे थिबा दुई जन ट्रक चक्का तले चापी होइ जाइथिले मृतक लारकीपालीर अभिषेक कुमार और सेवक नाग बोली जनापड़ी खबर पाई टाउन थाना पुलिस पहुंची जबत करने शव को व्यवच्छेद पठाई और संपृक्त ट्रक को जबत कर अधिक तदंत जारी रखी कटक एसीबी मेडिकल रु गिरफ हेले चारि दलाल मानंकु गिरफ करिछि मंगलाबाग पुलिस एसीबी को चिकित्सा पई आसुथिबा रोगी को भल उत्तम चिकित्सार प्रलोभन देखाई घरोई हॉस्पिटल को पठाउथिले एही चारि दलाल हेउछन्ती उपेन्द्र मल्लिक रंजन सिंह मनेन्द्र नायक और भगवान साहू एमाने काजुअलिटी रे थिबा निरीह दूर दूरांतरु आसुथिबा रोगी को टार्गेट करुथिले मंगलाबाग पुलिस पेट्रोलिंग समय खबर पाई एमानंकु धरिथिला दलाल मानंकु गिरफ करी कोर्ट चालन करा जाइछि तबे कमिश्नरेट पुलिस किछि दिन पूर्वरु कटक एसीबी मेडिकल को दलाल मुक्त करने स्वतंत्र ड्राइव आरंभ कर।
देशर ऑक्सीजन संकट दूर करने मोदी सरकार का बड़ पदक्षेप। पीएम केयर फंड रु 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर किणवा को मंजूरी प्रदान कर प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षतार होता एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निष्पत्ति। पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर शीघ्र किणी राज्य सरकार गुड़िक जोगाइबा को निर्देश देते प्रधानमंत्री। यहसह पूर्व पीएम केयर फंड रु स्वीकृत 713 पीएसए प्लांट छड़ा 500 नुआ ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी प्रदान करा जाय छी। एही ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय एवं टियर 2 शहर रो हॉस्पिटल गुड़िक रे स्थापन करा जिवो। एहा द्वारा टियर 2 शहर गुड़िक रे ऑक्सीजन रो आवश्यकता को पूरण करा जाय पारिबो। सेपटे प्रधानमंत्री निष्पत्ति को स्वागत करछन्ती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पीएम केयर फंड रु 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर क्रय करने अतिरिक्त 500 पीएस ऑक्सीजन प्लांट प्रतिष्ठा करने को मंजूर देते। देशर समस्त जिला मुख्यालय तथा टायर 2 शहर एवं अधिक कोरोना संक्रमित राज्यगुड़िक तरल मेडिकल ऑक्सीजन जोगाण को वृद्धि करने पीओसी क्रय एवं पीएसए ऑक्सीजन प्लांट यथाशीघ्र प्रतिष्ठा करने निर्देश देथिबारु प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइछन्ती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सह फोन जगे कथा हले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही खराब समय रे रूसिया भारत सह ठिया होईची। कोविड मुकाबला दिगरे भारत को समस्त प्रकार रो सहयोग करबा नै राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिश्रुति दैछन्ते। सेपरे सहयोग रो हात बढाइथिबारु राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद जणाइछन्ते प्रधानमंत्री मोदी। जरूरी कालीन व्यवहार पई स्पुटनिक वी को भारत रे मंजूरी प्रदान करथिबारु प्रधानमंत्री मोदी को प्रशंसा करिछन्ते रूस रो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ प्रति उत्तर रे कहिथिले स्पुटनिक वी वैक्सीन रे आमे सहयोग एही महामारी समय रे मानव जाति को सहयोग करिवो। पॉजिटिव का संख्या बढ़िबा सह राज्य रे स्वास्थ्य व्यवस्था रो असल चित्र सामना को आसुछि। गतकाली एने संपर्कित खबर आमे देखाइथिलु। आजि मध्य आस्का एमकेसीजी भली स्थान रो चिकित्सा अवहेला कथा आसुछि जेउठे साधारण जनता ओडिसा रो चिकित्सा व्यवस्था उपरे संगेन अभिजोग आनिछन्ति। कोविड काल रे केमिति अछि राज्य रे स्वास्थ्य अवस्था सामना को आसुछि गोटिए परे गोटिए अवहेला रो चित्र। प्रथमे देखंतु एमकेसीजी रो दृश्य। ऑक्सीजन को नहीं असहाय रोगी और सेमानन को संपर्कीय किए चट्टाण रे पड़ी किए बंचिबा को संघर्ष करुची। ऑक्सीजन रो अभाव भितरे जेमिति भगवान भरोसार रोगी। मंगलवार दिन 10:00 to 10:30 मध्य दृश्य जड़े महिला निज भाई किभली ऑक्सीजन पई काकुति मिनती करछन्ते देखंतु जहाँ से निज फेसबुक आईडी लाइव करथिले। काली ऑक्सीजन अभाव रे बहुत लोग मर जाइछन। ऑक्सीजन पई लगे असुविधा सर ऑक्सीजन अवेलेबल है भी देते कि थिला हम जति लगे सर एबे स्टॉक बना है आनिया को जाई छन कि के अपेक्षा करियो परियो मना अरे पेशेंट मर जियो हे बड़े पेशेंट मर जियो जो मन देख छन है हो छ एमकेसीजी मेडिकल जो मन पर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा अच्छी घरे किछ काम दोनी प्लीज धर के आसन तो इमीडिएटली धर के आसन तो एबे देखंतु आस्कार दृश्य 30 टू 40 मिनट धरी मेडिकल लागरे अटकिले एम्बुलेंस किंतु भीतर को जाई परलानी आ ए होची सेई समय रो वीडियो जितेबले सिक्युरिटी सह रोगी संपर्कियों जुक्तितर्क होता यहाँ बाबनपुर कोविड हस्पिटाल सेमानक अभियोग भितर को न छाड़ डेरी रे डाक्तर देखिले एपरिक डाक्तर मध्य विलंबर आसीथिबारु तांकर मृत्यु हैला। सकाळ टिके निश्वास प्रश्वास टिके कम हैला तापरे मुंड बिंदी चली कहले तापरे तांके निजे निजे चली के गले मेडिकल कोन मेडिकल गले कार रे बसि बड़ मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल जगिले रोगी रिपोर्ट नेगेटिव आसीथिला
तेरे रोगी संपर्कों अभियोग रिपोर्ट नेगेटिव कथा मौखिक भाव में कही रिपोर्ट केमी आनी था डॉक्टर देखा पूर्व प्रथम कोविड टेस्ट करती कोविड टेस्ट कलापर वर्तमान नेगेटिव रिपोर्ट मौखिक भाव कहीदे कि पठेदे ये आसला अक्सीजेन लगे मुझे रिक्वेस्ट होकर ये बर्तमान सार पांचटू गाँव आंबुलांस जो आसे ये बर्तमान छःटा पैंचाश में पहुँचलू सार छा पैंचाश पर आम बर्तमान डॉक्टर को बहुत नेहरा सार बुझे मुझे सार सालाइन दिखुत पेसेंट टी बची जीव सार सालाइन बोले ना तार कोविड रिपोर्ट सार कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आगेटिव रिपोर्ट ये आसला भितर सी पेसेंट डेड पेसेंटर कंडीशन बहुत सीरीयस था से गैसपिंग स्टेज कितु अक्सीजेन लगे भितर ही तार डेथ हो आसवर गोटे पंद्रह कि कोड़े मिनट हम कोड़े मिनट हम आम कौन कलु मैंने जो पेसेंट कहल आपड़ी टेस्ट करना पुर्णा मेडिकल को जाते हैं पुर्णा मेडिकल जाकर टेस्ट कर आम कहल जदि टेस्ट कर रिपोर्ट आनतुँ आम अक्सीजेन लगे ट्रिटमेंट चली कंटिन्यू चलती आसिया भितर मैंने रिपोर्ट धरिक आसती आसवर गोटे दु तीन मिनट भितर तार डेथ ना किसी अबल ना आ रही किसी वन परसेंट भी अबल ना वन परसेंट भी अबल ना आम डेडिकेटली ड्यूटी करूँ एवं देखूँ बलांगीर पटनागड़ दृश्य कोरोना भय से शब बुहा है सैकेल पीपी किट पिंधि बापार शब को सैकेल बोहिला पुओ ओडियापाली पंचायत भाली डुंगुरी गाँव में दृश्य को नहीं एवं चर्चा आज संकट भितर साधारण जनता भयभीत न होवार आवश्यकता रही भितर मानविकता न भूलिबा दरकार सेपटे राज्य सरकार केवल कथार नुहे ग्राउंड जीरो रे लोकों कथा बुझा दरकार ब्रह्मपुर पीतांबर नाहकों सह पटनागड़ सदाशिव सराफ को रिपोर्ट अर्गस न्यूज राज्य में आसंता पांच दिन कालबैशाखी संभावना आसंता चौबीस घंटा मध्य घड़घड़ी सह वर्षा नहीं दस जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणिपाग केन्द्र से ही जिलागुड़िक केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर कोरापुट नवरंगपुर गजपति कंधमाल रायगड़ा यही समय तीस रु चालीस किलोमीटर बेगर पवन बहार संभावना रही से अड़तीस रु तीस तारीख मध्य केन्दुझर मयूरभंज मलकानगि कोरापुट रायगड़ा गजपति और कंधमाल गोटे दुईट स्थान में कालबैशाखी सह बिजुली घड़घड़ी मारिबार संभावना रही है एथिपाई उक्त जिलागुड़ी भी येलो वार्निंग जारी करसह तीस रु मे एक तारीख मध्य चौदह जिले में कालबैशाखी संभावना रही आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पक्ष सूचना दीजिए सरुणी जलकष्ट पानी पाई महिलांक संघर्ष गंजाम जिला नुणीगुंडी और बादुआ गाँव में उत्कट होबारे लागिछि पानीय जल समस्या गराए पानी पाई गाँव ठारु एक किलोमीटर दूर से पोखरी को जाउछंती महिला राति पाहिले गाँव झियो बहु वृद्धा माने बाल्टी माठिया धरी पानी संग्रह पाई बाहरी पड़ती एक विपदपूर्ण खाल पानी को संग्रह करी पानी भावे व्यवहार करिथांती गाँव में नलकूप गुड़िकरु पानी बाहरुथिले भी ताहा पीबा योग्य नुहे फळरे बाध्य होई दूषित पानी पी शोष मेंटाउथिबा कहिछंती महिला आसवा खेल संपर्कित खबर को ऋतुराज गायकवाड और फाफ डुप्लेसिंग का दमदार बैटिंग बल में चेन्नई सुपर किंग्स सात विकेट रे सनराइजर्स हैदराबाद को परास्त करिछि एही विजय सह चेन्नई सुपर किंग्स पुणि थरे आईपीएल पॉइंट टेबल रे शीर्ष स्थान कब्जा करिछि अन्यपक्षे चलित आईपीएल रे हैदराबाद पंचम पराजय सह शेष स्थान में रही चलित आईपीएल रे प्रथम थर लगे दिल्लीर फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में खेला जाउथिबा ही मैच रे प्रथमे बैटिंग करथिबा हैदराबाद बैटिंग करी तीन विकेट रे 171 रन करथिला किंतु एही लक्ष्य को चेन्नई सहजरे हासिल करिनै छि चेन्नई मात्र 18.3 ओवर रे 3 विकेट हराई विजय हासिल करछि बुला पशुपक्षी खाद्य जलसांग को चिकित्सा पई राजधानी रे गढ़ी उठी कलिंग युवसेना रंग माटिया और पटिया ठारे एही संगठन दुईट आश्रय शिविर खोली बुला गाईगोर कुकुर माकड़ मान सम्मान और जीवन दायित्व नहीं छत जन स्वेच्छासेवी को नहीं आरंभ होता संगठन में एवं 200 स्वेच्छासेवी नियोजित राजधानी भुवनेश्वर बुला गाईगोर कुकुर और माकड़ मान विपद बेलर बंधु पलटि कलिंग युवसेना नाम एक सामाजिक संगठन यह संगठन महामारी समय पशुपक्षी खाद्य जल और चिकित्सार दायित्व नहीं निष्ठुरतार विरोध करने लक्ष्य यह संगठन तीन वर्ष ते मात्र 6-7 जन स्वेच्छासेवी को नहीं कार्य आरंभ कर जोड़ी होती 200 स्वेच्छासेवी सहर जो पशुपक्षी असहायतार खबर आसे
ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ। ସଂଗଠନଟି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି ହେଲାଣି, ତ ଆଗରୁ 5-7 ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନଟି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କେହି କ୍ରୁଏଲିଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ, ସଦାସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରି ଆସିଛୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର, ତ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛେ ସେମାନେ ବି ସେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁଠୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସେ ଆମ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବସେନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ନମ୍ବରକୁ, ଆମେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁ, ତା'ପରେ ଆମର ନିଜର ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍କୁ ଆଣିକି ତାକୁ ପୁରା ଅବଜରଭେସନ୍ରେ ରଖି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିସିନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଆମେ ତାକୁ କ୍ୟୁର କରିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ୁ। ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଚାଲିଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁବସେନାର ଅଫିସ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ପାଳକୁଟା, ପାଣିକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈଗୋରୁ। ସହରରେ କେଉଁଠି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇଲେ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ସହାୟତା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ଗୋଟିଏ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଗାଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅସହାୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ରଖିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ସଂଗଠନ। ଖରାଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଳିଙ୍ଗ ଯୁବସେନା ସହର 200 ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶିକରଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ତରଭୁଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କୁକୁର ଓ ଗାଈଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବା କୁହନ୍ତି ସଂଗଠନର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ରାଜେଶ ବାରିକ। ରାଜେଶ କହନ୍ତି ଯେ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅନେକ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବସେନ ତରଫରୁ ବହୁତ ପାଣିକୁଣ୍ଡ ନେଇ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ନେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶୋଷରେ ନ ମରନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଦା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଟିର ପାତ୍ର ରଖିଛୁ ସେଥିରେ ଜଳ ଦେଉଛୁ, ଯାହାକି କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ଜଳଭାବରୁ ନ ମରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଶିକରଚଣ୍ଡୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ମାଙ୍କଡ଼ ଅନାହାରରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଏବଂ କୁକୁରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ନିଜ ତରଫରୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଉ, ଏବଂ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଆମ ତରଫରୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିପାରିବୁ, ଆମ ଏରିଆ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋ ସେବା କରିପାରିବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଅଧିକାଂଶ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ବୁଲା ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେଉଥିବା ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଘର ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖୁଥିବା ମହିଳା ଏବେ ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ଗଢ଼ି ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ କଷିପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି 3000 ମହିଳା। ମହୁ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝୋଟ କଣ୍ଢେଇ ଓ ଟେରାକୋଟା ଯାଏ ନାନା କାମ କରି ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା ମାସକୁ 2000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଜଗାର କରୁଥିବାରୁ ପରିବାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି। ଝୋଟରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ଉତ୍ପାଦ। ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ କଷିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ। କିଏ ଝୋଟରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତ କିଏ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ। ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋତା, ଚପଲ, ପାପୋଛ ଓ ଫୁଲଦାନୀ ଯାଏଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦଳ। ଏଭଳି କାମ କରି ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ମାସକୁ 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ଦମୟନ୍ତୀ ପରିଡ଼ା। ପଞ୍ଚାୟତରେ 3000 ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ମୀରାବାଈ ମହାସଂଘର ପ୍ରୟାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ଗଢ଼ି ଏଭଳି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କାମ ଚାଲିଥିବା ଦମୟନ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି। ଝୋଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରୁଛୁ, ଜୋତା ହେଉଛି, ପାପୁଚ, ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୋତଲରେ ସବୁ ଫୁଲଦାନୀ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କରିକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆମେ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଆମେ ସମୟ ବେକାର କରୁଥିଲୁ, ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ତା ସହିତ ବି ଆମେ ବୁଣାବୁଣି କରିକି ଝୋଟରେ ସବୁ କାମ କରିକି ପରିବାର ଚଳେଇ ପାରୁଛୁ।
ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘରେ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଜି ତିଆରି କରୁଛୁ। 4-5 22 ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଜି କରିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ମହୁ କରିଛୁ, ଆଉ ମାଛ ଚାଷ ବି କରିଛୁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ବି କରିଛୁ। ଆଗରୁ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରୁଛୁ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବି ହୋଇପାରୁଛୁ। ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 1500-2000 ଟଙ୍କା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ପାଇପାରୁଛୁ। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସାଯାଇଛି ଏକାଧିକ ମହୁ ବାକ୍ସ। ବାକ୍ସରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବାର ଲାଗିଛି ମହୁ। ଫେଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବକ୍ସରୁ ବାହାର କରି କିଭଳି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ତାର କୌଶଳ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ମହୁ ଫେଣା ସଂଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ଯାଏଁ ସବୁ କାମରେ ଏମାନେ ସିଧ ଅସ୍ତ। ମହୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଛି। ମହୁ ଚାଷ ସହିତ 22 ଜଣିଆ ଏହି ଉତ୍ପାଦକ ଦଳ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଓ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଖୋଲା ପରିବେଶରେ ବୁଲି କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଛର ଆକାର ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଧରାଯିବ। ମାଛ, ମହୁ ଓ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଜୀବିକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମାସିକ 2000-3000 ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ଯୋଗାଡ଼ରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ସଦସ୍ୟା ବାସନ୍ତୀ ଦାସ। ଓ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି 9 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ 1500 ମହିଳା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୀରାବାଈ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ଟେରାକୋଟା ଜରିଆରେ ମହିଳା ଉତ୍ପାଦକମାନେ ବେଶ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। 6 ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ମାଟି କାମ ପାଇଁ, ହାତ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ପରେ ପଇସା କିଛି ପାଇଛୁ, ପଇସା କିଛି ପାଇ ଆଉ କୁମ୍ପି ତିଆରି କରୁଛୁ ସେଥିରେ। ତାପରେ ଚକ KBS ତରଫରୁ ଚକ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ। ଟ୍ରେନିଂରେ ବି ଆମେ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଛୁ। ମାସକୁ ତେବେ ବି ଆମେ 2000-3000 ଏମିତିକା ନିଜେ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରୁଛି ଆଉ, କାହାରି ବି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆମର ମହାସଂଘର ରହିଛି ଆମର 9 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍। ଏଇ 9 ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର 3 ଛତୁ ଅଛି, 3 ପତ୍ରଦନା, ଟେରାକଟା, ମହୁ, ମହୁ ସାଙ୍ଗକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମାଛ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। କାହିଁକିନା ମହୁର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ସେମାନେ ମାଛ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ମେକ୍ରମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମେକ୍ରମ୍ର ବି ଆମର 37 ଅର୍ମାସ ତରଫରୁ ଆମର ଯାଇସାରିଲାଣି ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ଯାଇପାରୁନି, ଏମିତି ପାଖ ଆଖରେ ଯାଉଛି। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ନେଟ୍ର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ବି ଆମର ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ଟେରାକଟାକୁ ଆମର ବି ଛାଡ଼ିଛୁ, ସେଠି ବିକ୍ରି କେମିତି ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେତିକି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ 2-3 ହେବାର ଅଛି। ଯେତିକି ଆମର 1500 ପାଖାପାଖି ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଲେଣି, ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ କାନ୍ଥ ମିଶିକି ଚାଲିଲେଣି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ସଂଘର ମିଶାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ନିଜ ଗୋଡ଼ ନିଜେ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଫଳରେ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବିକାଶର ପ୍ରତିଫଳନ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।